और वो सिक्सटी डिग्री के एंगल से घूम गया क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है हेलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रॉब्लम बुक से लिया है अभी कुछ साल पहले यही एडवांस में भी एक इस सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो सबसे कठिन वाला हिस्सा था मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन था उसमें जो सबसे कठिन वाला चॉइस था वो आपके लिए बड़ा आसान होता अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले मेरी बुक से कर लिया होता जिन बच्चों ने पहले ऑलरेडी दे दिया उनकी बात कर रहा हूं चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप सही दिशा में निकल गए अदरवाइज इट बी रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन कहता है पोजिशन वेन इज सिक्सटी डिग्री एंगल इज सिक्स डिग्री दिस स्टिकिलीज End A of the stick remains in contact with the wall, and its other end B remains in contact with the floor as the stick slides down. This end remains in contact with the wall. This end remains in contact with the floor as the stick slides down. Find the distance traveled by the center of the stick by the time it hits the floor. Mind you, it is not displacement; it is distance. Find the distance traveled by this. सेंटर ऑफ स्टिक, बाय टाइम, इट हिट्स फ्लोर। अगर आपने आज तक इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई किया तो जरूर ट्राई कीजिए प्लीज गो हेट यहां मैं आपके लिए सोल्यूशन कर रहा हूं नेचुरली स्टिक ऐसा कुछ घूमता हुआ नीचे आएगा और फ्लोर को अल्टीमेटली हिट कर देगा डेफिनेटली स्टिक का सेंटर एक पॉइंट है जिसको मैं सी लिख रहा हूं और किसी इंस्टेंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स को कॉमा वाई लिख ले रहा हूं जहां ये हमारा ऑरिजिन रहेगा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस रहेगा तो किसी इंस्टेंट पे जिस समय ये stick, जिस समय समय ये ये स्टिक, छड़ी हॉरिज़ॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है उस समय मान लेते हैं कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है बच्चों अब आप ध्यान से देखो एक्स और वाई को हम बड़ी आसानी से थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं यह लेंथ एल बाई टू हुई अगर पूरे स्ट्रिक की स्ट्रिक की लेंथ एल है तो यह वाली लेंथ एल बाई टू हुई नेचुरली अगर यह लेंथ एल बाई टू है तो एल बाई टू साइन थीटा इस सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट है एल बाई टू साइन थीटा राइट सिमिलरली द एक्स कोऑर्डिनेट what is the x coordinate? x coordinate is nothing but this length. how much is this length? if this angle is theta, so is this angle. this angle is also theta. so this is l by 2 cos theta. so x coordinate of the center is simply l by 2 cos theta. now, these two equations are actually path equation, locus of the center of the stick with theta as a parameter that is how uh, you speak when you are studying coordinate geometry in mathematics okay to get a more formal or direct locus equation what we need to do is we need to eliminate theta between these two equations which can be done very easily you just square and add these two equations and you find that the coordinates x and y सेंटर ऑफ दी स्टिक आर रिलेटेड थ्रू दिसन सो इफ आई कूड रिकॉल इट करेक्टली सर्कल पे घूमेगा यह स्टिक का, जी ये का, है, और ये stick का जो सेंटर पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा मुझसे पूछा गया है कि इनिशियली एंगल सॉरी ये एंगल 60 डिग्री है और फाइनली ऑफ कोर्स ये स्टिक ऐसे फ्लैट यहां है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अब हम समझ चुके हैं कि जो सेंटर है स्टिक का वो एक सर्कल के ऊपर घूम रहा है और सर्कल का सेंटर कोर्स ऑरिजिन है दैट मीन ये पॉइंट है और उस सर्कल का रेडियस कितना है एल बाई टू है तो जो स्टिक का सेंटर है वो सर्कल के ऊपर घूमता हुआ ऐसा घिरा राइट अब आप ध्यानपूर्वक देखिए कि स्टिक का जो सेंटर है वो सर्कल के ऊपर तो घूम रहा है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितने एंगल से घूम गया सर्कल के ऊपर 60 डिग्री कैन यू सी दैट स्टिक का सेंटर यहां कहीं है हु? और अब स्टिक का सेंटर यहां है स्टिक का जो सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा है और वो 60 डिग्री के एंगल से घूम गया क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है सोच के बताइए बच्चों इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर कीजिए खुद से सोचिए मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूं कि क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है अगर ये सही है तो आपके आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया क्यों क्योंकि स्टिक का सेंटर तो सर्कल पे घूम रहा है जिसका रेडियस एल बाई टू है तो सर्कल पे कितने एंगल से घूम गया कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट कितने एंगल से घूम गया अगर आपको ये पता है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस की आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आर इन टू थीटा वेर थीटा मस्ट बी रिटर्न इन रेडियन तो अब आप खुद को कन्विंस करो कि क्या स्टिक का सेंटर 60 डिग्री के एंगल से घुमा या नहीं घुमा About पॉइंट टू मैं छोड़ दूं समझ जाओगे अगर समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर लिख लोगे चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ गुड बाय सी यू